पर यहाँ पर आप देखिए वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं और इस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई। आप देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से राणा दंपत्ति यहाँ पर मोटरसाइकिल पर बैठकर वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पर जाते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात है रवि राणा जो है वो यहाँ पर मोटरसाइकिल चला रहे हैं। अब रवि जी आप ड्राइव करके जा रहे हैं और नवनीत जी पीछे बैठी है, क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग तो हमेशा पब्लिक का प्रचार भी जब करते हैं तब भी हम पैदल घूमते है, बाइक पे जाते हैं, बैलबंडी पे जाते हैं, रिक्शे में जाते हैं, तो एक हमेशा कॉमन पब्लिक ही हमारी ताकत है और हमेशा कॉमन पब्लिक के जैसे रह के हम जनता के बीच में काम करते हैं और आज भी जो वोटिंग के लिए निकले कॉमन पब्लिक जैसे निकले। बिल्कुल आम आदमी की तरह आप लोग जा रहे हैं और यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ है, युवा आपके पीछे मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, बहुत क्रेज सा जैसा दिख रहा है युवाओं का। जगह जगह पे अक्षयवाद हो रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं, उंगली बता रहे हैं, वी का चिन्ह बता रहे हैं, तो इसमें से दिख रहा है कि आने वाले समय में पूरी ताकत के साथ पूरी बहुमत के साथ नवनीत राणा चुन के आ रही है। लोग आज इस दिन का वेट कर रहे थे, वो दिन हमारा है। बिल्कुल इस दिन का इंतजार कर रहे थे लेकिन मतदान का जो रुझान है, पिछली बार जो हमने कहा पहले चरण में कम मतदान हुआ, इस बार क्या उम्मीदें हैं? इस बार भारी संख्या में मतदान होगा और बड़ी ताकत के साथ लोग मतदान कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं और खुद का फर्ज निभा रहे हैं क्योंकि जिले का विकास देश का हित के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल नवनीत जी भी यहां पर हमारे साथ में हैं, नवनीत जी से भी अब ये बात करेंगे और यहां पर नवनीत जी आप मोटरसाइकिल पर जा रही हैं आम आदमी की तरह मतदान करने के लिए, किस तरह से देखते हैं? मैं हमेशा आम ही रही हूँ। हमारे मराठी में एक शब्द है खासदारों के लिए कि खास बनकर खासदार रहता है, पर मैं हमेशा आम से भी आम व्यक्ति बनकर मेरे लोगों की सेवा की है, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी मैंने स्पेशल अपने आप को कहीं प्रेजेंट किया और रही। मैं हमेशा बहुत नॉर्मल साधारण कार्यकर्ता करके ही काम किया है और आज भी वही दृश्य है। यहाँ पर अब लोगों की भारी भीड़ है, आपके साथ में काफी युवा जो है वो भी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, काफी युवा भी आपके पीछे पीछे बाइक पर ही दिख रहे हैं। युवकों को रिप्रेजेंट करता है ये देश जी। मैम क्या आप देखिए लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, नोनी जी आपसे लोग अपने काम के लिए आज भी मिलने के लिए आ रहे हैं, लोग अपना काम लेकर आज भी आपके पास आ रहे हैं। लोगों को ये पता है कि 24/7 अवेलेबल रहने वाली नवनीत राणा है। बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से लोगों का क्रेज है, एक बड़ा जन समूह इस वक्त आपको दिखाई देगा जो इस दौर में इस समय जो है नवनीत राणा के साथ में मतदान केंद्र पर जा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से नवनीत राणा को लेकर क्रेज है और यहाँ पर आप देखिए आम लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि आखिर में यहाँ पर किस तरह का माहौल है और भारी सुरक्षा व्यवस्था भी हालांकि यहाँ पर इस वक्त नजर आ रही है। और इन तस्वीरों को देखिए राणा दंपत्ति मोटरसाइकिल पर बैठकर रवि राणा खुद ड्राइव कर रहे हैं, विधायक हैं, उनकी पत्नी जो है नवनीत राणा वो संसदीय का चुनाव लड़ रही हैं, पहली बार बीजेपी से यहाँ पर उम्मीदवार बनाई गई हैं और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने काफी दिन तक प्रचार किया लेकिन इस बार यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, उसके बावजूद नवनीत राणा पूरे कॉन्फिडेंस में हैं कि उन्हें जो है भारी मतों से जीत मिलेगा। हालांकि बच्चू कड़ू जो कि एनडीए के ही घटक दल है वो भी यहाँ पर उन्होंने अपना उम्मीदवार दिनेश भूप को उतारा है लेकिन उसके बावजूद नवनीत जो है पूरी तरह से आत्मविश्वास में सराबोर है। उनका कहना है कि अब कुछ लोग जो है जानबूझकर अब कैंडिडेट उतारे हैं जो उन्हें हराना चाहते हैं, उनकी मंशा है लेकिन वो उनकी अपनी मंशा में कामयाब नहीं होंगे, लोग उन्हें बड़े वोटों से चुन कर देंगे। कैमरा पर्सन सुभाषिस दाम के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, अमरावती।